आप सबका अपना यूवी के दूसरे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आप में से जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को पहले से शुरू तक पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारे दिए गए टिप्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, और सब्सक्राइब दबा के पास में दिया गया बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, तो पहले ज़्यादा बातें ना बढ़ा के मैं मुद्दा पे राइट कर जाती हूँ। हम सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान धूप से कितना परेशान है, और इस धूप के जो कोएफेक्ट जो है उससे भी हम लोग सभी बहुत बहुत परेशान हैं। डिहाइड्रेशन, पसीना होना, ये सब तो है ही, लेकिन इससे भी एक तो जो प्रॉब्लम है जिससे मर्द और औरत एक साथ बहुत हो जाते हैं, दैट इज टैन की समस्या। हाँ जी, सूरज में या धूप के नीचे ज़्यादा रहने से ना पूरे त्वचा भी ना धूप से टैन से पूरा भर जाता है, टैन का एक तो अच्छा सा पेस्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर लग जाता है। अब बात ये है, औरतें तो अपने टैन को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेड पैक्स या बहुत सारे आपके पार्लर में डिटैन पैक्स वगैरह ये सब करती हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मर्दों को टैन हम औरतों से ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मर्दों के शरीर में जब मेलानिन ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑलरेडी उनकी स्किन के ऊपर टैन का जो लेवल है वो हम औरतों से ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है, और मर्दों का जो टैन होता है वो ज़्यादा ज़िद्दी भी होता है हम औरतों के मुकाबले। तो अब मैं अपने सारे मेल फ्रेंड्स को, क्योंकि भाई खूबसूरत बनने का हक जैसे औरतों को है आप मर्दों को भी है, तो अब मैं आज मेरे जितने सारे मेल फ्रेंड्स हैं और मेरे फीमेल फ्रेंड्स को भी आपको मेरे दिए गए टिप्स को अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने भाई, पापा सभी के ऊपर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ एक बात हम ज़रूर कहेंगे, अगर उससे पहले ये तो घरेलू नुस्खे हैं जो हम आपको दे देंगे, तो अगर ये घरेलू नुस्खों ट्राई करने से पहले एक बार स्किन ये सब जांच परख कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नॉर्मल टू ड्राई एज वेल एज ऑयली स्किन दोनों के बारे में मैं टिप्स दूँगा। सबसे पहला घरेलू नुस्खा नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन टैन रिमूव करने के लिए मेरे दोस्तों दैट इज लेमन, नींबू का रस। नींबू के रस को डायरेक्टली कभी भी अपने टैन एरिया में मत दीजिएगा, उसमें कुछ अंश कुछ परसेंटेज पानी मिला के आप नींबू को जहाँ जहाँ आपके सपोज वो फेस में हो सकता है, जो लोग बाइक चलाते हैं तो उनके हैंड्स में हो सकता है, या नेक बैक नेक सब में होता है, मतलब जो लोग जगह एक्सपोज रहते हैं आप लोगों की, उन जगह पर जब टैन आ जाता है ज़्यादा, जैसे जो लोग खेलते हैं उनके पाँव में टैन होने का बहुत चांसेस है, तो ऑब्वियसली आप नींबू के रस के साथ थोड़ा पानी मिलाकर या गुलाब का जल मिलाकर अगर आप अपने टैन के एरिया में घसी घसी के रब करते घिसते हैं, फिर थोड़ी देर के सूख जाने के बाद जब थोड़ा हल्का का सूख जाए तो उसको अच्छे से ठंडे पानी से धो लेते हैं। इसको आप अगर कॉन्स्टेंट करते रहते हैं तो आपका जो टैन है वो ऑब्वियसली बहुत बहुत लाइट हो जाएगा और स्किन फ्रेंडली है, इसलिए आपको कोई रैशेज या कोई बहुत झंझट ये सब आपको नहीं होना है। दूसरा जो टिप है दैट इज़ आप लोग और एक तो टिप भी आप लोग कर सकते हो, दैट इज़ आप लोग बाजार से आमंड लेकर आओ, आमंड बादाम जो होता है, तो आमंड दूध या दूध का क्रीम जो आपके लिए पॉसिबल हो, और उसमें कुछ नींबू के रस। कैसे करेंगे आप ओवरनाइट 4 या 5 ठो आमंड बादाम को ओवरनाइट पानी में भिगोकर सोपने को रख दीजिए, दूसरे दिन सुबह उन आमंड के जो बादाम हैं उनके जो पील्स हैं छिलके छिलके को निकाल के उसको ग्राइंडर में पेस्ट बना दीजिए। अब इस पेस्ट को एक बड़े चम्मच रिपीट 1 टेबल स्पून दूध के साथ या दूध के मलाई के साथ मिलाइए, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, आधा लेमन का जूस मत दीजिए, कुछ ड्रॉप्स जूस मिलाकर इस पेस्ट को अच्छे से फाइन मिक्सचर में भरिए, और इस मिक्सचर को जहाँ जहाँ आपका टैन है या आपका टैन जिद्दी है उन जगहों पे धीरे धीरे अप्लाई करके हल्का हल्का मसाज करके छोड़ दीजिए, फिर 10 से 15 मिनट तक या जिनका टैन थोड़ा जिद्दी है 15 से 20 मिनट तक रखिए, उतने में वो सूख जाएगा। फिर नहाने से पहले उसको अच्छे से
क्लिप में देने वाली हूँ दैट इज फॉर ऑयल स्किन. ऑयल स्किन के लिए मैं बोलना चाहूँगी आप लोग हल्दी और चंदन को इस्तेमाल कीजिए, या आप लोगों के लिए टैन रिमूविंग में बहुत फायदेमंद होता है. आप कुछ अंश हल्दी और थोड़ा चंदन का पेस्ट, अगर आपको हल्दी का पेस्ट मिलता है मतलब जो कच्चा हल्दी आता है मार्केट में, अच्छे हल्दी के साथ अगर आप चंदन का पेस्ट को मिलाते हैं दोनों को पेस्ट बना के, तब तो बहुत ही अच्छा है. लेकिन अगर कच्चा हल्दी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिक्र मत होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक काम कीजिए, घर में जो हल्दी का पाउडर आता है जो नीचे में ज़रूर होता है सबके, तो उससे कुछ टिप हल्दी का पाउडर और थोड़ा सैंडल का पेस्ट, चंदन सफ़ेद चंदन, मैंने सफ़ेद चंदन हो तो सबसे बेस्ट है. अगर सफ़ेद चंदन ना है तो नॉर्मल जैसे जो चंदन मिलता है इन दोनों को मिलाकर आप कर सकते हैं. नहीं तो आप सैंडल का जो पाउडर अच्छे से किसी कंपनी का जो अच्छा क्वालिटी का सैंडल पाउडर जो मार्केट में मिलता है, उस सैंडल पाउडर के साथ भी अगर आप टर्मरिक पाउडर को मिला के उसमें कुछ ड्रॉप अगर आपको जरूरत पड़े तो लेमन जूस दे सकते हैं, नहीं तो लेमन जूस नहीं उस ड्रॉप डाउट कर लीजिए, थोड़ा गुलाब जल मिला के उसके ऊपर पेस्ट बना के आप अपने टैंक्स के ऊपर चाहे मुँह हो कहीं भी हो इस्तेमाल कीजिए. आई एम श्योर इस्तेमाल करने के बाद 10 से 15 मिनट रखिए जब तक ना वो सूख जाए. सूख जाने के बाद उसको हल्के हल्के मसाज करके धो दीजिए और देखिए यू फील द डिफरेंस. लेकिन हाँ एक बार जरूर कहना चाहूँगी, कोई भी टिप्स अपने ऊपर ट्राई करने से पहले प्लीज़ आप अपने स्किन को एक बार अच्छे से जान लें कि क्या ये आपका ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, उसके बारे में ज़रूर थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए. और ये भी जान लीजिए सपोज अगर आपको लेमन सूप नहीं करता हो तो आप उसके जगह हल्दी सैंडल या आप मिल्क आमंड इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. नहीं तो जो लोग एलोवेरा जिनके घर में है, आप लोग एलोवेरा के जूस को भी लेमन के साथ कंपाइल करके या बिना लेमन के एलोवेरा जूस को भी अगर आप टैंक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये खीरे का जूस अगर आप अपने टैंक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जब टैंक्स हल्के होते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होना है. और अगर इन टैंक्स को थोड़ा लेमन का थोड़ा गुलाब जल अगर आप मिला देते हो तो यू फील वेरी मच रिफ्रेश्ड. सो आज के लिए इतना तक. अगर आपको हमारा वीडियो शुरू से अंत तक बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और आप अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग जो जहाँ पे है सबको बोलिए प्लीज़ आप डू सब्सक्राइब आवर चैनल और सब्सक्राइब करके पास कर दिया और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. सुंदर रहिए, सेहतमंद रहिए, बाय.